इंसान की क्या चीज है ना साहब, जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो अकड़ के चलता है, लेकिन जब बिस्तर पे पड़ता है बेतुकी चीजों को तवज्जो देनी पड़ती है। मैं अब उस पोजीशन में हूं कि अगर मैं चाहूं वो तमाम चीजें आप साथ कर सकती हूं जो जुल्म आपने मुझ पे किया। वो इल्जाम याद है आपको, कितना चीखते थे, चिल्लाते थे, झंझोड़ते थे मुझे, हर तरह से मुझे अकेला कर दिया। लेकिन मैं क्या करूं, फर्क है कि मुझे आप पे तरस आता है, मुझे अपने जैसा बनाना चाहते थे ना आप, ऐसा ही था। तो फिर बताएं, बन जाऊं मैं आप जैसी? ठीक है, फिर मैं हां समझ लेती। जी सालार साहब, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। बेगम साहिबा जी, वो तो लंदन में है ना, आपका एक्सीडेंट हुआ था। जी जी, बेगम साहिबा से बात हुई है, लेकिन उनको आपके बारे में नहीं बताया। फोन? आपका फोन वो सारा बीबी के पास होगा, मुझे नहीं पता। क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो सारा बीबी, मैं साहब जी के पास आई थी कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आंटी से बात करनी है। ठीक है परवीन, इन्हें मेरा फोन दो। लेकिन एक मिनट, आप बात कैसे करेंगे? आपसे तो बात नहीं हो रही। बात करवा दूंगी, मसला नहीं है, बात करके तो दिखाएं। सारा बीबी, ऐसे तो ना करें, साहब जी का दिल दुखेगा। अच्छा, इनका दिल दुखेगा, मेरा दिल दुखाने के बारे में किसी ने सोचा? तो मैं क्यों सोचूं अब सबके दिल के बारे में? तुम जा सकती हो। और एक बात सुनो, आज तुम मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में आ गई हो, आइंदा नहीं होना चाहिए ये। जी सारा बीबी। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।